पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में एक महिला ने भतीजे के प्यार में पागल होकर पति की हत्या कर दी। महिला अपने जेठ के बेटे को दिल दे बैठी थी। पति को इसका पता चला तो वो रोक टोक करने लगा। प्यार में रोड़ा बनने पर महिला ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर पति को मार डाला। उसके बाद उसी कमरे में भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पुलिस को गुमराह करने की साजिश भी रची, जिसका खुलासा करते हुए आज पुलिस ने दोनों को ही जेल भेज दिया। मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर में गांव मेदिनीपुर गांव है मेदिनीपुर, वहां पे पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम हरदयाल है वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम में जो आया उसमें आया कि गला घोट कर हत्या हुई है। उसके बाद में पुलिस ने उसकी आगे की तफ्तीश शुरू की और उसमें पाया, तफ्तीश के दौरान हमें पाया कि उसकी पत्नी जो कि उस वक्त मौके पर अपने हाथ पैर बंधी हुई अवस्था में मिली थी, तो उसने कहा कि कुछ लोग आए थे जो उसको हाथ पैर बांध गए और उसके पति को मार गए, वो उनको जानती नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सारे एंगल से जाँच की और सारी पूछताछ की तो शक उसकी पत्नी पर गया और पत्नी ने बताया, बाद में पूछताछ के अंदर बताया कि उसमें उसके पति, आज पत्नी की जो गिरफ्तारी हुई और उसके प्रेमी की जिसका नाम सुने पाल थे उसकी गिरफ्तारी हुई, तो पत्नी दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया कि जो मेरा पति था जिसका नाम हरदयाल था वह अक्सर आए दिन दारू पीकर मारता पीटता था, जिस वजह से मैं तंग आ चुकी थी, इसी वजह से मेरे संबंध जो अपने जेठ का लड़का है जिसका नाम सुने पाल है उसके साथ हो गए थे और हमारे संबंध काफ़ी समय से थे। मैं बार बार सुने पाल को भी बोलती थी कि इसको रस्ते से हटा दो, तो हमने एक प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत हमारी 2 तारीख को हमारा आपस में झगड़ा हुआ पति के साथ। उसके बाद में मैंने अपने पहले जेठ के लड़के को बुला लिया रात को और फिर हम दोनों ने मिलकर जो कि दुपट्टे से गला घोटा, जो दुपट्टा उसकी पत्नी का ही था जिसका नाम रिंकी है, दोनों ने मिलकर उसका गला घोटा और गला घोटने के बाद उस दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांध दिए। और बाद में जब आज ये दोनों भागने की फिराक में थे और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और अपनी पूछताछ में इन्होंने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।